तो आगे फिर मैंने उसको मैंने कहा बाजी ये हमारे स्कूल की एक टीचर है फायजा, उसके साथ इसके ताल्लुकात हैं, मुझे मेरी बीवी ने भी बात बताई है, बच्चों ने भी बात बता दी है, जिन बच्चों के जरिए ये पैगाम देता था, इनके पैगाम चलते थे, एक दो बच्चे थे उन्होंने मुझे ये बात बता दी है, अब ये हमारे स्कूल के काबिल नहीं रहा, ये माहौल खराब कर रहा है, आप इसको ले जाएं, अपने साथ ले जाएं। वो फिर वहां से उठी और चुप करके रोती हुई उसको रोना उसने क्या था, वो तो उसको तरबियत ही ऐसी कर रही थी। 3-4 दफा मैंने पहले उसको बात बताई है कि इसको मोबाइल ना दें, इसके बावजूद उसकी माँ ने उसको मोबाइल दिया हुआ है, माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं उस लड़के के ऊपर। तो वो यहाँ से फारग हो गया। 3-4 दिन के बाद 9 क्लास की जो स्लिपें आई हैं, रोल नंबर स्लिप, मैंने उसको स्लिप दी है। तो उससे अगले दिन उसने शाम को ये किया, मैं बैरिया टाउन में ट्यूशन पढ़ाने गया हुआ था, तकरीबन 7 बजे के करीब मैं अपने घर में आया हूँ, मैंने खाना खाया है, तकरीबन कोई आधी एक रोटी मैंने खाई है। ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं तो घर में कौन कौन होता है उस वक्त? घर में मेरी बीवी होती है और मेरे बच्चे होते हैं, और उसके बाद स्कूल के भी कोई 10-15 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं मेरी बीवी के पास। लेकिन इन दिनों में तकरीबन 1 मार्च सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सेशन स्टार्ट हो रहा था, कुछ 2-3 टीचर्स भी इसी बात के में आकर इसी बात की वजह से स्कूल भी छोड़ गई थी। फिर मैंने पीछे से अपनी मेरी बीवी पीछे गई थी जड़ावाला में अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए, क्योंकि सेशन ऑफ हो गया था, तो उसने वहाँ पे रहना था 15-20 दिन। मैंने फौरन उसको फ़ोन किया कि स्कूल अब शुरू हो गया है, टीचर स्कूल नहीं आ रही, तो आप खुद भी आ जाओ और अपने साथ अपनी बहन फरखंदा को भी साथ ले आओ, ताकि वो भी यहाँ पे पढ़ा ले, ताकि वो भी पढ़ाए। उसने पिछले साल भी यहाँ पे कुछ अर्सा पढ़ाया था स्कूल के अंदर। तो उसी दिन वो आ गई। तो आके फिर ये हुआ कि मैं जिस दिन ये बकुआ हुआ है, रिजवान आया है मंगल वाले दिन शाम का, तकरीबन 7 और 8 के दरमियान का टाइम था। मैं तकरीबन 7 बजे ट्यूशन पढ़ा के यहाँ पे आया हूँ, खाना खाकर थोड़ा सा मैंने खाना खाया, मेरी तबीयत को बेचैनी से हुई है, मैं खाना बीच में मैंने छोड़ा है, खाना छोड़ के मैंने कहा चलो अभी बाहर जाता हूँ, रिलैक्स होता हूँ थोड़ा सा, नमाज का टाइम भी हो जाएगा, नमाज भी पढ़ लूँगा। तो मैं बाहर चला गया, दरवाज़ा बंद करके मैं बाहर, नीचे एक दुकान है, वो कारी साहब की दुकान है किताबों की, दरवाज़ा बंद करके, दरवाज़ा बंद करके, तो कारी साहब की किताबों की दुकान है, तो उसके पास मैं खड़ा होकर बातें कर रहा था। इधर से अब्दस्तार और 2-3 और मेरा ससुर भी, वो भी आ गया था मिलने के लिए हमें, तो बच्चों को मिलने के लिए अक्सर वो आता रहता है, अक्सर वो 10-15 दिन नहीं गुजरते तो आ जाता है, बच्चों के साथ इतना प्यार है मेरे ससुराल वालों को। तो वो आए और वहाँ ये हुआ कि अभी मैं बातें ही कर रहा हूँ, अभी उस दुकानदार से बातें कर रहा हूँ, मुझे घर से निकले हुए अभी 10 मिनट का टाइम गुजरा है, तकरीबन 10-12 मिनट हो गए होंगे, तो ऊपर मेरी साली फरखंदा की आवाज़ें आईं, चीखें मारने लगी कि इमरान भाई हमें बचाओ, इमरान भाई हमें बचाओ, वो सामने दुकान है इमरान की, इमरान भाई हमें बचाओ, रिजवान हमें मार गया, रिजवान हमें मार गया। तो मैंने यकदम ये आवाज़ें सुनी, मैंने कहा तुम्हें पागल हो गई हो, क्या हो गया तुम्हें? फिर वो ये रिजवान मार गया, रिजवान, जब मैंने रिजवान का नाम सुना तो वहाँ से मैं भागा, लोग इकट्ठे हो गए थे ये बात सुनकर, नीचे खड़े हो गए थे लोग। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में मेरी बीवी खून में लथपथ है, वो नीचे गिर रही है, दरवाजे मैंने खोला तो वो नीचे गली में गिर गई है। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से, फिर इतनी इसी दौरान मैंने पुलिस को गालबन मैंने फ़ोन किया या मुझे कोई समझ नहीं आ रही, रिजवान ने ऊपर से छलांग लगाई, लोगों को देखकर रिजवान ने छत के ऊपर से नीचे छलांग लगाई है और लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ा तो मैंने उसको सिर्फ एक मुक्का मारा है, लेकिन पीछे फिर मुझे अपनी बीवी की पड़ गई, मेरी बीवी नीचे गिरी पड़ी थी, मैंने उसको संभाला बड़ी मुश्किल से, मुझे उठाई नहीं जा रही थी मुझसे। तो वो एक आदमी, वो साथ वाला हमसाया सखी, इसका भी ये हमारे स्कूल के सामने घर है, ये चारपाई लेके आया बेचारा, इसकी चारपाई के ऊपर फिर हम दो बंदों ने उसको लिटाया, फिर एक कार में डाल के हम उसको ले गए। रास्ते में 112 हमें मिली, उनको पहले फ़ोन कर दिया था लोगों ने, उसमें फिर डाल के हम उसको जिना हॉस्पिटल ले गए। तो जब वहाँ डॉक्टरों ने उसको देखा तो मुझे बताया कि इसकी डेथ हो गई। तो मेरा घर उजड़ गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका भी मुस्तकबिल ख़राब है, मैं भी बर्बाद हो गया, उजड़ गया हूँ। अब मैं ज़रई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, एग्री ग्रेजुएट हूँ मैं, मुझे अगर इंसाफ ना मिला तो मैं इमरान खान और वज़ीर आला
पंजाब, इनके सामने मैं अपील करता हूँ और चीफ जस्टिस के सामने मैं अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पूरा मोहल्ला गवाह है, आज तक मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, और अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं फिर मेरी मौत के ये जिम्मेदार हैं। आप ये इंतहाई इकदाम उठाएंगे? मैं इंतहाई इकदाम उठाऊंगा, जो मुझसे हुआ फिर मैं करूंगा, उसके ये जिम्मेदार हैं और पुलिस जिम्मेदार है। आज तक अभी मुझे नहीं पता चला, कोई मुझे कहता है जी कि उन्होंने वो पैसे देकर वो केस को हल्का वो करवा देंगे, उन्होंने पैसे दे दिए थाने वालों को, ये कर दिया वो कर दिया। मैं चुप करके सब्र के साथ बैठा हूँ, मुझे पता है कि मैं हक पे हूँ और मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, तो जितने मर्जी वो पैसे दे दें थाने वालों को, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ है और मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे तो निज़ाम काफ़ी ठीक हो गया है थानों का, कहा जा रहा है पुलिस असलाहत हो गई, रिफॉर्म्स हो गई हैं, तो पैसे तो नहीं लगे होंगे, या आप कह रहे हैं कि लग गए पैसे, हल्का कर लिया, कैसे इधर उधर से सुना आपने? लोग मुझे बता रहे हैं, इधर उधर से लोग बातें कर रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, कोई हकीकत वाली इसमें बात नहीं है कि उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए, इसमें हकीकत नहीं है। मुझे लोग ऐसे डरा, पुलिस का इमेज आपके जहन में ये है कि वो लेके हल्का कर सकते? पुलिस का इमेज यही है, ऐसे होता है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है, तो मुझे इंसाफ की उम्मीद है, चूँकि इमरान खान इंसाफ उनकी तारीख का नाम ही तारीख इंसाफ है, मुझे उम्मीद है कि इमरान खान मुझे इंसाफ देंगे। गार्ड आपका यहाँ पे मौजूद होता है उस वक्त? अब तो है स्कूल टाइम, अब मैंने आज पहले दिन स्कूल खोला है, आज मैंने गार्ड रखा है, पहले हम नीचे अंदर से कुंडी लगा देते थे, गार्ड नहीं होता था, अंदर से कुंडी लगाते थे हम। उस दिन आप जाते हुए आप कहते हैं कि दरवाजा बंद करके गए, तो रिजवान कैसे अंदर आया? दरवाजा मैं बंद करके गया था, बाद में रिजवान ने थाने के अंदर ये बात, ये इकरार किया है कि मैं तकरीबन एक घंटा पहले अंदर छुपा हुआ था सीढ़ियों के नीचे, दरवाजा खुला था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी बाहर जाते हैं कभी अंदर आते हैं, दरवाजा खुल गया होगा, तो वो कहता है कि मैं सीढ़ियों के नीचे छुप के बैठा हुआ था, और वाकई अभी भी सीढ़ियों के नीचे वो जगह मौजूद है जहाँ उसकी जैकेट पड़ी हुई है, उसकी येलो कलर की जैकेट अभी भी पड़ी हुई है, मुझे तो उसको हाथ लगाते हुए डर लग रहा है, उसकी जैकेट पड़ी हुई है, वहां पे एक दरवाजा था लोहे का, उसके पीछे वो छुप के बैठा हुआ था। तो मैं जब बाहर गया हूं तो उसको उसने देख लिया, उसको पता चल गया कि सर बाहर चले गए, तो उसने फिर ये काम किया। टीचर फायजा तो उनसे बड़ी हैं उम्र में, कितने बड़ी? टीचर फायजा उनसे तकरीबन दो तीन साल बड़ी होंगी, लेकिन इस लड़के ने इसको पहले भी, ये एक मदीनातुल इल्म स्कूल है हमारे इलाके में, उन्होंने भी इसको निकाला स्कूल से, और एक अमीर चिश्ती स्कूल है वहाँ, पहले ये वहाँ पढ़ता था, उन्होंने इसको निकाल दिया, फिर मेरे पास आ गया, मुझे पता नहीं था, मैंने इसको रख लिया, मैंने कहा चलो मेरा तो काम है कि तालीम देना, बुरों को अच्छा करना, इनको दरिंदों को इंसान बनाना, लेकिन ये दरिंदा मुझे ही पड़ गया है, मेरे साथ इसने दरिंदगी की, मेरा घर इसने उजाड़ दिया है। अब मैं इंसाफ की अपील करता हूँ। ठीक है जी, ये मोहम्मद अशरफ साहब स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि ये बाहर गए तो उस वक्त सारा मामला हुआ, और ये भी बताया कि यहाँ पर दो स्कूल्स पहले ऐसे हैं कि जिन्होंने रिजवान को रेस्टिकेट किया और उसके बाद इन्होंने उसको दाखिला दिया, दो साल से ये स्कूल चला रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर पुलिस ने तफ्तीश ठीक ना की या केस को हल्का करने की कोशिश की, जैसे इन्होंने सुना है, जो शुनीद है, तो फिर ये इन्होंने खुद सोजी की भी धमकी दी है, और ये कहा है कि मैं इसके जिम्मेदार जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान।